Hello everyone, myself Padresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going to exercise number 5.6. Okay, so let's start the lecture. Okay, now today we are going to start exercise number 5.6. Solve the following and check the answers. So यहाँ पे हमारे पास टू डिजिट्स के नंबर्स है. ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कि किस तरह से हम डिवीज़न करते हैं. सो देर इज़ अ क्वेश्चन नंबर ए, 95 डिवाइडेड बाय 10. ओके, एंड वी हैव टू ऑल्सो चेक द आंसर. सो हाउ कैन वी चेक द आंसर? यू नो अबाउट द फॉर्मूला. ओके, सो देर इज अ डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे सम को एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू द वेरिफिकेशन द सम. ओके, सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर ए, 95 डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो देर इज अ 95 डिवाइडेड बाय 10. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 के टेबल के अंदर 95 अदरवाइज 95 से लेस नंबर. ओके, सो 10 नाइन्स आर 90 एंड 10 टेन्स आर 100. ओके, सो वी हैव टू कंसीडर द 90. ओके, सो देर इज अ 10 नाइन्स आर 90. सो देर इज अ 10 नाइन्स आर 90. एंड नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. ओके, सो देर इज अ सब्ट्रैक्शन. 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5. 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, सो देर इज अ 5 रिमाइंडर, 9 क्वोशंट एंड 10 डिवाइजर. नाउ वी हैव टू वेरिफिकेशन द सम. ओके, अदरवाइज वेरीफाई द आंसर. तो ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग हम किस तरह से चेक करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, सो देयर इज अ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5. ओके, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 90. ओके, सो देयर इज अ 90 प्लस 5 एज इट इज. आफ्टर दैट 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95. ओके, सो देयर इज अ 95. सो ये हमारा जो सम है वो ये करेक्ट है. ओके, बिकॉज बोथ नंबर आर सेम. ओके, ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सी, बी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 70 के टेबल के अंदर 93 अदरवाइज 93 से लेस नंबर कौन सा आता है, हमें ये पहले फाइंड आउट करना है. ओके, ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 17 के टेबल के अंदर 93 अदरवाइज 93 से लेस नंबर कौन सा आता है, हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है. ओके, सो 17 के टेबल के अंदर 17 फाइव ज़ा 85 एंड 76 ज़ा 102. सो वी हैव टू कंसीडर द 17 फाइव ज़ा 85. सो 17 फाइव ज़ा 85. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. ओके, सो देर इज अ 3 एंड देर इज अ 5. सो 3 इज अ smaller number and 5 is a greater number, so we cannot subtract. So we have to borrow the number from neighbor. So 9 become 8 and 3 become 13. So 13 minus 5 is equal to 8. So there is a 8 and 8 minus 8 is equal to 0. So it means there is a 8 remainder and 5 is a quotient. Okay, so now we have to verify the sum. Okay, सो हम किस तरह से करेंगे? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, सो यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 17 इज अ डिवाइजर. सो देर इज अ 17 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 इज अ क्वोशंट प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है? 8. ओके, सो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 85. So there is a 85 plus 8. So now 85 plus 8 is equal to 93. Okay, so answer is correct because there is also 93 and there is also 93.
Okay, now question number E. D you have to do in your homework. Okay, so there is a 90 and there is a 15. Okay, so 15 के टेबल के अंदर 90 कब आता है? So 15 6 जा 90. Okay, so 15 6 जा 90. Okay, now we have to do the subtraction and 90 minus 90 is equal to 0. So यहाँ पे हमारे जो remainder है वो यहाँ पे 0 मिल रहा है. अब हम यहाँ पे sum को verify कर सकते हैं किस तरह से. So there is a 15 multiplied by 6 plus 0. So 15 6 is 90. Easily हम यहाँ पे sum को verify कर सकते हैं. Okay, now next is 89 divided by 16. Okay, so 16 के table के अंदर 89 कब आता है? अदरवाइज 89 से लेस नंबर. ओके, सो आपको 16 का टेबल आना चाहिए. ओके, सो आप टेबल बोल सकते हो. ओके, 89 अदरवाइज 89 से लेस नंबर आना चाहिए. ओके ओके, सो देर इज अ 16 फाइव ज़ा 80 एंड 16 सिक्स ज़ा 96. सो 96 है वो 89 से ज़्यादा है. ओके, सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 16 फाइव ज़ा 80. ओके, so there is a 16 5 za 80. Okay, now we have to do the subtraction. 9 minus 0 is equal to 9. 8 minus 8 is equal to 0. Okay, so there is a 9 is a remainder. Okay, and 5 is a quotient. Ab hum yahan pe क्वेश्चन को वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 जो हमारा फॉर्मूला है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंट. ओके, सो हम यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू इट. सो 16 इज अ डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाई 5 इज अ क्वेश्चंट एंड प्लस 9 इज अ रिमाइंडर. Okay, so now 16 multiplied by 5 is equal to 18. 18 plus 9 as it is, यहाँ से हम उसको ले सकते हैं. ओके, एंड नाउ देर इज़ अ 89. सो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है. तो हम इस तरह से हर एक सम को वेरीफाई कर सकते हैं. ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर H. 91 डिवाइडेड बाई 14. ओके, सो नाउ 14 के टेबल के अंदर 91, अदरवाइज 91 से लेस नंबर कौन सा होगा? सो आपको यहाँ पे 14 का टेबल बोलना है. ओके, सो आप यहाँ पे बोल सकते हो. सो देर इज़ अ 14 सिक्स ज़ा 84 एंड 14 सेवन ज़ा 98. ओके, सो 98 जो है वो यहाँ से 91 से ज़्यादा है. सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं? 14 सिक्स ज़ा 84. ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. ओके, सो 1 एंड देर इज़ अ 4. सो 1 में से 4 हम माइनस नहीं कर सकते. सो नाउ वी हैव टू बोरो द नंबर फ्रॉम नेबर. सो देर इज़ अ 9 बिकम 8 एंड 1 बिकम 11. सो नाउ 11 माइनस 4, सो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो देर इज़ अ 7 remainder and there is a 6 quotient and 14 is a divisor. Okay, now hum sum ko verify kis tarah se kar sakte hain. So there is a formula, divisor multiplied by quotient plus remainder. Okay, so there is a 14 is a divisor multiplied by 6 is a quotient and plus 7 is a remainder. Okay, so there is a 14 6 is 84 plus there is a 7. So 84 plus 7 is equal to 91. Okay, so there is a 91 and also there is a 91. So answer is correct. Okay, now question number 2. Divide the followings. Okay, so yahan pe bhi hamare paas 2 digit numbers hai. So question number A is that 129 by 12. Okay, so let's start the sum. Okay, so first of all हम यहाँ पे 2 digit numbers का use करेंगे. Okay,
सो 12 के टेबल में 12 कब आता है? 12 वन ज़ा 12, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 वन ज़ा 12, ओके. नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, सो देर इज़ अ 0 0, ओके. नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 9, ओके. सो नाउ हमने यहाँ पे 9 को पुट डाउन कर लिया है, बट यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से स्मॉल है, ओके. सो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अदरवाइज हमारे जो पहले के वीडियोस हैं उसमें बताया था कि अगर हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉल होता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई विथ 0 करते हैं, ओके. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाइंग करेंगे. सो 12 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, एंड नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सो देर इज़ अ 9, सो देर इज़ अ रिमाइंडर 9. हमें ये स्टेप करना ज़रूरी है, ओके. अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा सम रॉन्ग है तो आप यहाँ पे आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ओके. सो वेरीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9, ओके. सो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9, ओके. सो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120 प्लस देर इज अ 9, ओके. सो देर इज अ 129. सो आप यहाँ पे इस तरह से पता लगा सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट है, ओके. सो इज दैट योर आंसर, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ओके. सो देर इज अ 158 डिवाइडेड बाई 11, ओके. सो 11 के टेबल में 15, अदरवाइज 15 से लेस नंबर, बिकॉज हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टू डिजिट नंबर्स का यूज़ करेंगे, ओके. सो 11 के टेबल में 15, अदरवाइज 15 से लेस नंबर. सो 11 वन ज़ा 11 एंड 11 टू ज़ा 22. सो यहाँ पे 11 वन ज़ा 11, सो 11 वन ज़ा 11. नाउ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 8, ओके. अब हमने यहाँ से 8 को पुट डाउन कर लिया है. नाउ देर इज़ 48, सो 11 के टेबल में 48, अदरवाइज 48 से लेस नंबर. सो यस, देर इज़ अ 44, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55. सो 55 है वो यहाँ से ग्रेटर नंबर है 48 से, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 44. सो 11 फोर ज़ा 44. नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, 8 माइनस 4, सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो देर इज़ अ 4 रिमाइंडर, 14 क्वेश्चंट, एंड 11 इज अ डिवाइजर, ओके. आप इस सम को भी वेरीफाई कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 4, तो आपको आंसर मिलेगा 158, ओके. ओके, नाउ 501 डिवाइडेड बाय 13, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 13 के टेबल के अंदर 50, अदरवाइज 50 से लेस नंबर, बिकॉज हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टू डिजिट नंबर्स का यूज़ करेंगे, ओके. सो 13 के टेबल में 50, अदरवाइज 50 से लेस नंबर. सो यहाँ पे 13 थ्री ज़ा 39 एंड 13 फोर ज़ा 52. सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 13 थ्री ज़ा 39. सो 13 थ्री ज़ा 39, ओके. नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सो देर इज़ अ 0 एंड देर इज़ अ 9. सो 0 में से 9 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो हम क्या करेंगे, नेबर से हम बोरो करेंगे. सो देर इज़ अ 5, सो 5 बिकम 4 एंड 0 बिकम 10, ओके. सो नाउ 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ओके. सो नाउ देर इज़ अ 11, ओके. एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 1, सो देर इज़ अ ट्रिपल 1, 111, ओके. सो नाउ 13 के टेबल में 111, अदरवाइज 111 से लेस नंबर. सो देर इज़ अ 13 एट ज़ा 104.
सो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज 13 9 ज़ा 117 हो जाता है। सो हम यहाँ पे 13 8 ज़ा 104 104। नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस 4। सो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारा अपर नंबर है वो यहाँ पे स्मॉलर है और ये हमारा जो बॉटम नंबर है वो यहाँ पे ग्रेटर है। ओके, सो नाउ बोरो करेंगे हम नेबर से। सो यहाँ पे जो 1 है वो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11। ओके, नाउ 11 माइनस 4, सो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, सो देर इज अ 7। नाउ 0 माइनस 0, सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू अगेन 0, सो रिमाइंडर इज अ 7 एंड क्वोशंट इज अ 38। ओके, सो इज दैट योर आंसर? ओके, सो देर इज अ 630 डिवाइडेड बाय 17। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। ओके, सो 17 के टेबल में 63, अदरवाइज 63 से लेस नंबर। सो यहाँ पे हम 17 3 ज़ा 51 एंड 17 4 ज़ा 68। सो 68 जो है वो 63 से ज़्यादा है। ओके, सो वी आर यूजिंग द 17 3 ज़ा 51। सो 17 3 ज़ा 51। ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 0। ओके, सो देर इज़ अ 120। ओके, नाउ 17 के टेबल में 120, अदरवाइज 120 से लेस नंबर। ओके, सो टेबल आपको आने चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो 17 7 ज़ा 119 एंड 17 8 ज़ा 136। सो हम यहाँ पे 17 7 ज़ा 119 यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 120। ओके, सो 17 7 ज़ा 119। ओके, नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, बट देर इज़ अ वेरी इजी मेथड। यहाँ पे 119 है एंड देर इज़ अ 120, सो यहाँ पे 1 नंबर का ही डिफरेंस है। सो आप इजीली कंसीडर कर सकते हो कि देर इज़ अ 1। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर 1 ही आएगा। सो 0 0 एंड 1, अगर हम जनरली करना चाहे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, बिकॉज 0 माइनस 9 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, सो वी हैव टू बोरो द नंबर फ्रॉम नेबर। सो 2 बिकम 1, सो 2 बिकम 1 एंड देर इज़ अ 10। ओके, सो नाउ 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एंड देर इज़ अ 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 अगेन 0, सो आंसर इज़ 1। सो इट्स अ रिमाइंडर, 37 इज़ अ क्वोशंट एंड 17 इज़ अ डिवाइज़र। ओके, सो इज दैट योर आंसर? ओके, सो देर इज़ अ 532 डिवाइडेड बाय 18। सो 18 के टेबल में 53, अदरवाइज 53 से लेस नंबर। ओके, सो 18 के टेबल में 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। सो हम यहाँ पे 54 कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 53, हमें यहाँ पे 53, अदरवाइज 53 से लेस नंबर जो 18 के टेबल में आता हो। सो देर इज़ अ 18 2 ज़ा 36। ओके, नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, सो 3 माइनस 6 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 6 बिकॉज ऑफ देर इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड देर इज़ अ ग्रेटर नंबर, सो वी हैव टू बोरो द नंबर फ्रॉम नेबर। सो 5 बिकम 4 एंड 3 बिकम 13, सो नाउ 13 माइनस 6, सो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। नाउ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड नाउ वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नंबर 2। ओके, नाउ 18 के टेबल में 172, अदरवाइज
172 से लेस नंबर, ओके। सो यहाँ पे 18 नाइन ज़ा 162 एंड 18 टेन ज़ा 180, ओके। सो हम यहाँ पे 18 नाइन ज़ा 162 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो 18 नाइन ज़ा 162, ओके। नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। सो रिमाइंडर इज अ 10, 29 इज अ क्वोशेंट एंड 18 इज अ डिवाइजर, ओके। एंड हमारा डिविडेंड क्या है? 532, ओके।